ये जहाज का नाम है एवर गिवन, जिसको एवर ग्रीन कंपनी ओन करती है। यह जहाज की लंबाई 400 मीटर से, जो कि ऑलमोस्ट टाइटैनिक जहाज से डबल है। यह जहाज पर 20,000 कंटेनर्स रख सकते हैं। एवर गिवन शिप सुएज कैनाल में फंस गई। सुएज कैनाल पूरे एशिया को यूरोप से कनेक्ट करता है। सुएज कैनाल अगर नहीं हो तो जहाज को पूरा अफ्रीका को घूम के फिर यूरोप की तरफ जाना पड़ता, जिसमें 2 वीक ज्यादा लगते और फ्यूल भी। वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 12-15% इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इस कैनाल से ही होता है। सुएज कैनाल इजिप्ट की जीडीपी 10% हिस्सा रखती है। इस कैनाल में यह शिप फंस गया। फंसने की वजह सामने आई विंड की ज्यादा गति और सैंड स्टॉर्म, पर यह जहाज ऐसी तरीके से फंसा कि पूरी कैनाल को ब्लॉक कर दिया। यह जहाज को निकालने के लिए कई सारे उपाय किए गए। बोट से भी खींचने की कोशिश की गई, पर वो सब फेल हो गए। जहाज हिला भी नहीं। सुएज कैनाल में जाम लग गया। 6 दिन तक यह फंसा रहा, जिनमें से 90 मिलियन डॉलर का इजिप्ट को नुकसान हुआ। आखिरकार सुपरमून होने से समुद्र में ज्वार आया और कैनाल से जहाज निकल गया।